मध्य प्रदेश के इंदौर में बीते 6 अगस्त को नगर निगम घोटाले के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बर्बरता से पीटा गया था। इसकी शिकायत कांग्रेस ने डीजीपी को ज्ञापन के माध्यम से की। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि विपक्ष में होने के नाते हम आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, जिसके तहत हमने इंदौर में नगर निगम का घेराव किया था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठी डंडे बरसाए थे, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के सिर पर भी डंडे पड़ने से उन्हें गंभीर चोट आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी पर जानलेवा हमला किया गया है। इस मामले में जांच को लेकर कांग्रेस ने आज पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी को ज्ञापन दिया और पुलिस कर्मियों पर उचित कार्यवाही करने की मांग की। इंदौर में कांग्रेस का सत्याग्रह हुआ था और उस सत्याग्रह को जिस तरह से कुचला गया, बहुत कम ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। आप अगर पूरे फुटेज देखें तो कोई ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में नहीं था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन निर्मित हो रही है। उसके बावजूद भी लाठीचार्ज किया, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मारा। और सबसे दुर्भाग्यजनक ये है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ जिस निर्ममता से मारपीट हुई है, 12 टांके आए हैं उनके। हम लोगों ने डायरेक्टर जनरल पुलिस को ज्ञापन दिया है कि आप पूरे फुटेज प्रोवाइड किए हैं, पूरी जानकारी उनको दी है, पेपर कटिंग्स उनको दी हैं, वीडियोज़ उनको दिए हैं, कि आप इनका अवलोकन करें और जिन लोगों ने ये मारपीट की है उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।